आज हम सीखने जा रहे हैं कि फोटोशॉप कैसे चलाएं, फोटोशॉप में कटिंग कैसे करते हैं, ये तो आप सीखने जा रहे हैं आज। ठीक है, सबसे पहले हम कंप्यूटर में जाके होल प्रोग्राम में जाके फोटोशॉप 7 ओपन करेंगे। और फिर हम एक पेज क्रिएट करेंगे, नया पेज बनाएंगे। इसके लिए हम फाइल में जाएंगे और न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। अब हम इसमें सबसे पहले कोई भी नाम कर देंगे, जैसे कि मैं मेरा नाम लिख रहा हूँ, मैंने नाम दे दिया। ठीक है, इसके बाद हम एक प्रेजेंट साइज ले लेंगे, जैसे मैं A4 की साइज ले रहा हूँ। आप कुछ कोई भी ले सकते हो, आपके जैसा जैसा काम हो आप वैसा कुछ कर सकते होगे। इसके बाद हम इंच में करेंगे, आपकी मर्जी, आप इसमें भी करना चाहो, मैं इंच में करूँगा। और रिजोल्यूशन 300 रखूँगा। ठीक है, RGB कलर व्हाइट, बैकग्राउंड कैसा भी रखना हो आप रख सकते हैं। ये 3 टूल्स आते हैं, इसमें आप बैकग्राउंड जैसा रख सकते हो, ऐसा रख सकते, जैसा रखना हो ऐसा रख सकते हो। इसमें वाइट रखता हूँ, मैं ओके करूँगा। तो एक अपना पेज क्रिएट हो गया। अब इसमें हम एक फोटो लेंगे जिसको हम कटिंग करना चाहेंगे, तो हम फोटो लेंगे। इसके लिए चलो हम एक फोटो लेंगे, इसके लिए ओपन करेंगे फाइल। फाइल में जाके दूसरे नंबर का है जो ओपन कंट्रोल हो गया, मदद से भी डायरेक्ट की दबा सकते हैं आप, डायरेक्ट कमांड से भी कंट्रोल हो करके भी फोटो ले सकते हैं। कि फाइल मैनेजर में से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके लेना हो ले सकते हो। तो हम ओपन करेंगे, हम एक फोटो ले लेता हूँ। अब हम इस फोटो को कटिंग करेंगे। ठीक है, एक फोटो यहाँ से ले लेता हूँ, मैं इसको बड़ा करूँगा कंट्रोल टी की मदद से, या फिर आप एडिट में जाके और डायरेक्ट फ्री ट्रांसफर कंट्रोल टी से भी कर सकते हैं। और डायरेक्ट कमांड है इसका कंट्रोल टी की मदद से भी कर सकते हैं। तो हम ये कंट्रोल टी करेंगे। अब इसको हम बड़ा करेंगे, इसके लिए आप शिफ्ट दबा के इसको बड़ा करेंगे, तो क्या एक साइज में ये बड़ा होगा। ठीक है, अब इसको हम इसको कटिंग करेंगे। इसको कटिंग करने के लिए हम ये टूल्स यूज करेंगे, ये टूल से हम कटिंग करेंगे। चलो हम कटिंग करते हैं। मैं आपको बताने के लिए अभी फटाफट कटिंग कर देता हूँ, आप जब कटिंग करें तो बहुत अच्छी तरह से करें कटिंग। ये फोटो अपना कटिंग हो गया है, इसको हम अलग करेंगे। कंट्रोल सी की मदद से हम इसको कॉपी कर लेंगे। अब हम इसको न्यू पेज में रखेंगे। इसके लिए हम कर लिया, और जो पहले करा था वही करने का, अपने इंच लिया, इसमें ले लिया रेगुलेशन 300 हो गया। इसको हम नए पेज में क्रिएट करेंगे, यहाँ से हम इसको लेंगे, ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये था फोटोशॉप में कटिंग कैसे करते हैं। ये तो आप मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे।